फेसबुक लाइव पर महिला कई लोगों पर आरोप लगाती है, हैरेसमेंट का खुलासा करती है और फिर सुसाइड कर लेती है। मामला बिलासपुर का है, जहां प्रियंका सिंह नाम की महिला ने छेड़छाड़ और धमकियों से परेशान होकर अपनी जिंदगी खत्म कर दी। आरोप है कि शहर के कई नामी लोग लगभग 4 साल से महिला को परेशान कर रहे हैं, छत से प्राइवेट पार्ट दिखाकर हैरेस करते, यहां तक कि महिला और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश भी कर चुके हैं। इस मामले में HC एडवोकेट भी शामिल है। शायद यही वजह है कि सिस्टम से हारकर महिला ने खुद की जिंदगी खत्म करना सही समझा। महिला ने वीडियो के दौरान क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं प्रियंका सिंह आत्महत्या कर रही हूँ और मेरी मौत के जिम्मेदार पप्पू यादव, मेरा पड़ोसी निवासी श्रीकांत वर्मा मार्ग मैग्नेटो मॉल के बाजू में साई दरबार के पीछे दूसरा घर टावर वाला नागू राव के घर में किराए से रहता है, जो मुझे पिछले 4 सालों से मेरे साथ छेड़खानी और गुंडागर्दी करता है। और उसके कहने पे मेरा पड़ोसी डॉक्टर अजीत मिश्रा समर्पण क्लिनिक श्रीकांत वर्मा मार्ग साई दरबार की बाजू गली मेरे पड़ोस में रहता है, वो भी मेरे साथ छेड़खानी और गुंडागर्दी करता है। और साई दरबार का पंडित और उसका बेटा और हाई कोर्ट वकील दीप्ति शुक्ला और उसका पति अनिल शुक्ला, विवेक अग्रवाल उर्फ विक्की अग्रवाल, श्रीराम ज्वेलर्स का मालिक, जो पप्पू यादव के कहने पे मुझे परेशान करते हैं। पप्पू यादव के कहने पे उसके घर आके नागू राव के छत में आकर पप्पू यादव, साई दरबार का पंडित, उसका बेटा और समर्पण क्लिनिक डॉक्टर अजीत मिश्रा अपने कपड़े उतार के अपना प्राइवेट पार्ट निकाल के मुझे बुलाते हैं। 26 फरवरी की रात पप्पू यादव, वकील दीप्ति शुक्ला हाई कोर्ट बिलासपुर, अनिल शुक्ला डॉक्टर, अजीत मिश्रा समर्पण क्लिनिक, साई दरबार का पंडित, उसका बेटा और अजीत मिश्रा का नौकर और विक्की अग्रवाल श्रीराम ज्वेलर्स का मालिक और उसका ड्राइवर, ये सारे लोग मिलके आधी रात को बिजली ऑफिस के दल्लों के साथ मिलके मुझे और मेरी दोनों बेटियों को जिंदा जला के मारने की कोशिश किए। इन लोगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। नागू राव के छत में आकर ये साई दरबार का पंडित, उसका बेटा अनिल शुक्ला रात भर मेरे घर में पत्थरबाजी करते हैं। मैं 3 साल से रातों को सो ही नहीं हूँ इन लोगों की गुंडागर्दी की वजह से। सभी लोग श्रीकांत वर्मा मार्ग मैग्नेटो मॉल के बाजू साई दरबार बाजू गली में सभी लोग रहते हैं। इन लोगों की गुंडागर्दी और छेड़खानी से परेशान होके मैं आत्महत्या कर रही हूँ।